हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वाति'स फूड टॉनिक। आज हम बनाने जा रहे हैं गोलगप्पा। इसे बनाना बहुत इजी है। अगर आप इसे मेरे मेथड से बनाओगे तो आपके गोलगप्पे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और फूले फूले बनेंगे। इसे खाना तो हर किसी को बहुत ही पसंद होता है। इस वीडियो में मैंने गोलगप्पा बनाना, तीखा पानी बनाना और गोलगप्पे की स्टफिंग बनाना सिखाया है। तो चलिए गोलगप्पा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल में एक कटोरी सूजी की लेंगे, फिर उसमें दो बड़े चम्मच मैदे के डालेंगे, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर का डालेंगे, 1/4 चम्मच नमक का डालेंगे। फिर इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गोलगप्पे में आपको नमक ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो वो अच्छे से फूलेंगे नहीं। फिर हम गर्म पानी लेंगे और उसे धीरे से इसमें डालेंगे। फिर एक स्पून की हेल्प से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, आपको इस तरह से इसे मिक्स करते जाना है और धीरे धीरे से इसमें पानी ऐड करना है। पानी आपको गर्म लेना है, यहाँ आप ठंडे पानी का यूज़ ना करें। अब हमारा आटा अच्छे से बाइंड हो गया है। अब हम अपने हाथों की मदद से इसे यूँ गूंद लेंगे। इस तरह से आपको इसे गूंद लेना है। इसे आप अच्छे से गूंद लीजिए। जितने अच्छे से आप आटे को गूंदोगे उतना ही अच्छे से आपके गोलगप्पे बनेंगे। ये देखिए, जैसा आटा हमें गोलगप्पे के लिए चाहिए वैसा आटा अब हमारा तैयार है। ये देखिए, हमें आटा कुछ इस तरह का चाहिए। आटा हमारा ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। अब हम इसे एक मॉइस्ट कपड़े से ढक के रख देंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब हम अपने प्लेटफॉर्म में अच्छे से ऑयल लगा लेंगे। मैंने यहाँ रिफाइंड ऑयल लिया है। रिफाइंड ऑयल लगाने से आपका आटा इस पर स्टिक नहीं होगा। फिर हम अपना आटा लेंगे और इसे 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर लेंगे। फिर हम इनमें से एक आटे को अच्छे से राउंड शेप का कर लेंगे और दूसरे को अच्छे से कवर करके रख देंगे। फिर इसे अच्छे से टैप कर लेंगे। ये देखिए, अब हम इसे ऐसे बेल लेंगे। इसे आपको राउंड शेप का बेलना है। कुछ इस तरह से आप इसे बेल लीजिए। अब हम कुकी कटर की हेल्प से इसे यूं काट लेंगे। मैंने यहाँ कुकी कटर का यूज़ किया है। आप चाहें तो किसी बॉटल के ढक्कन से भी इसे काट सकते हो। इस तरह से आप इसे सारी जगह से काट लीजिए। अब हम इससे यूँ आटा निकाल लेंगे। ये देखिए, अब हमारे छोटे छोटे गोलगप्पे बिल के तैयार हैं। अब हम इनमें से एक गोलगप्पे को लेंगे और इस तरह से थोड़ा बड़ा कर लेंगे। इसी तरह से आप सारे गोलगप्पे बना लीजिए। फिर हम एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख देंगे। हमें तेल को अच्छे से गरम करना है। ये देखिए, अब हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब हम इसमें गोलगप्पा डाल देंगे। गोलगप्पा हमें बिल्कुल सेंटर में डालना है और ये देखिए कितने अच्छे से फूल गया। गोलगप्पा बनाते समय आप याद रखें कि एक एक करके आप गोलगप्पे को डालो। अगर आप एक साथ 2 या 3 गोलगप्पे डाल दोगे तो वो फूलेंगे नहीं। ये देखिए, इस तरह से आप पहले एक डालिए और उसे अच्छे से पका लीजिए। इसे आपको लाइट ब्राउन कलर का करना है, तभी ये क्रिस्पी बनेगा। ये देखिए, अब हमारा एक गोलगप्पा बन गया है। अब इसी तरह से आप दूसरे गोलगप्पे को बिल्कुल सेंटर में डालिए और ये देखिए, ये खुद फूल जाएगा। इस तरह से खुद अपने आप फूल जाएगा। आपको एक एक करके गोलगप्पे को पकाना है। अगर आप एक साथ गोलगप्पे डाल दोगे तो तेल आपका ठंडा हो जाएगा और हमारे गोलगप्पे अच्छे से फूलेंगे नहीं। ये देखिए कितने अच्छी तरह से बन रहे हैं। गोलगप्पे बनाते समय आपको फ्लेम हाई रखनी है। अगर आप मीडियम फ्लेम में गोलगप्पे को पकाओगे तो वो पापड़ी बन जाएंगे और वो फूलेंगे नहीं। अक्सर लोग गोलगप्पे बनाते समय तेल ठंडा रखते हैं जिससे उनके गोलगप्पे फूलते नहीं हैं, तो आप ये गलती ना करें। अगर गोलगप्पे बनाते समय आपका तेल ठंडा हो जाए तो आप गोलगप्पा बनाना बंद कर दीजिए और तेल को अच्छे से गर्म कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका तेल ठंडा हो जाएगा तो आपके गोलगप्पे फूलेंगे नहीं और वो पापड़ी बन जाएंगे। ये देखिए, हमारे सारे गोलगप्पे कितने अच्छे बन रहे हैं। इसी तरह से मैंने सारे गोलगप्पे बना लिए हैं और ये देखिए कितने अच्छे से फूले हैं।
और ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। अगर आप मेरे स्टेप को अच्छे से फॉलो करोगे तो आपके गोलगप्पे भी ऐसे बनेंगे। तो चलिए अब हम गोलगप्पे का पानी बना लेते हैं। यहाँ मैंने 1 लीटर पानी लिया है और उसमें 1 कटोरी इमली का पल्प डाला है। फिर हम मोटर पेस्टल लेंगे और उसमें थोड़ा सा पुदीना डालेंगे और यहाँ 2 हरी मिर्ची डाल लेंगे। फिर हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए अब इसका अच्छा सा पेस्ट बन चुका है। अब हम इस पेस्ट को पानी में डाल देंगे और इसे अच्छे से यूँ मिक्स कर लेंगे। अब हम पानी में 1 चम्मच काली मिर्च की डाल देंगे, 1/2 चम्मच सेंधा नमक का डाल देंगे। सेंधा नमक डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 1 चम्मच जीरा पाउडर का डाल देंगे। यहाँ मैंने जीरे को अच्छे से रोस्ट कर लिया है और फिर उसका पाउडर बनाया है। 1 चम्मच चाट मसाले का अब डाल लेंगे। अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं, तब हम इसमें 1/2 चम्मच नमक का डाल लेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो। अब हम पानी में 1 चम्मच शक्कर की डाल लेंगे। शक्कर डालने से इसका खट्टापन अच्छे से बैलेंस हो जाएगा और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नींबू डाल लेंगे। नींबू डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ मैंने 1/2 नींबू डाला है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब लास्ट में हम इसमें थोड़ी सी बूंदी ऐड कर देंगे। ये देखिए अब हमारा गोलगप्पे का पानी बनके तैयार है। अब हम गोलगप्पे के अंदर डालने के लिए स्टफिंग बना लेंगे। उसके लिए मैंने 1/2 कटोरी बॉइल्ड चने लिए हैं और उसमें 1/2 कटोरी बॉइल्ड आलू काट के डाल दिए हैं। फिर हम इसमें 1/2 प्याज अच्छे से काट के डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ा सा चाट मसाला डाल लेंगे और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारे गोलगप्पे की स्टफिंग बनके तैयार है। ये देखिए हमारी तीनों चीज़ें बनके तैयार हैं और लग रही है नहीं बिल्कुल बाजार जैसी। अब आप गोलगप्पे में स्टफिंग डालिए और इसमें यूँ पानी भरिए और इसे खा लीजिए। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी बना है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।